कुछ न हाथ लगा अक्षरा सिंह के। जी हाँ, पवन सिंह की जितनी मन आई अक्षरा सिंह ने पोल खोली, लेकिन अक्षरा सिंह के हाथों कुछ न लगा। पवन सिंह का कुछ न बिगड़ा, उल्टा अक्षरा सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि पवन सिंह को बदनाम करने की पूरी कोशिश अक्षरा सिंह कर रही हैं। वैसे सोशल मीडिया पे इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग एक दूसरे से लड़ रही है, झगड़ रही है और अपने स्टार को सही साबित करने में जुटी है। लेकिन ताज्जुब की बात क्या है? ताज्जुब की बात ये है कि अक्षरा सिंह के सपोर्ट में कोई भी भोजपुरी स्टार नहीं आया, किसी ने पवन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि आम्रपाली दुबे, जो अक्षरा सिंह की बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं किया। हाँ, मानते हैं कि अक्षरा सिंह जब अपनी बात रख रही थी, उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी हीरोइन पवन सिंह से इतनी त्रस्त है, जिस तरह से मी टू कैंपेन बॉलीवुड में चला, कई हस्तियां सामने आई, लेकिन अक्षरा सिंह के सपोर्ट में कोई नहीं आया। अक्षरा ने अपनी बात रखी सोशल मीडिया पे, दो दिन तक इस पर खूब जंग छिड़ी, लोगों ने एक दूसरे पे छींटा कसी की। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अक्षरा सिंह ने जो काम किया है वो करने के लिए कलेजा होना चाहिए। खैर, चाहे जो भी रहे, लेकिन यहाँ एक बात तय है, आज पवन सिंह देवघर में है और वहाँ वो अपना स्टेज शो कर रहे हैं। स्टेज शो में भोजपुरी की कई बड़ी हस्तियाँ हैं उनके साथ, कोई उनका विरोध करके स्टेज शो छोड़ कर नहीं जाएगा। सभी स्टेज शो करेंगे और फिर घर वापसी करेंगे, क्योंकि यहाँ रोटी का सवाल है भाई। रोटी की बात जब भी आती है, बड़े बड़े विरोध शांत हो जाते हैं। अक्षरा सिंह पर आरोप लगे कि अक्षरा सिंह भोजपुरी की राखी सावंत बन चुकी हैं, उन्हें अपनी पब्लिसिटी करवानी है, क्योंकि अब न उनके हाथ फिल्में हैं और अब न उनके हाथ कुछ भी है। बड़े सारे प्रोजेक्ट छीन चुके हैं, लेकिन अक्षरा सिंह हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन अक्षरा सिंह है वो थकने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे जो सत्य है, जीत तो उसी की होनी है, ये निश्चित है, क्योंकि रुतबा और शोहरत सिर्फ नाम का है। अक्षरा सिंह की ये लड़ाई देखकर ये लग रही है कि सारी इंडस्ट्री एक तरफ और अक्षरा सिंह अकेली। सारे इंडस्ट्री के लोग चुप हैं, मौन हैं और सिर्फ शायद अपने मन ही मन जो सही होगा उसके लिए कुछ कह देंगे, लेकिन ज़ोरदार तरीके से कहना तो इस इंडस्ट्री को आता ही नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।